हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय जिमी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों आज हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे बच्चों के रूम के बेडशीट्स के बारे में। देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे, तो वो लोग ना चाहते हैं कि हमारा बेडशीट भी रहे, वो भी कलरफुल रहे, लाइक एंड विथ लॉट्स ऑफ कार्टून रहे, यू नो उनको पसंद है ये सारी चीज़ें। आप अगर उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलरफुल कार्स के, टॉयज़ के एंड कार्टून्स के बेडशीट्स लगाएंगे तो उनको सोने में भी अच्छा लगेगा, एंड देन उनको फील होगा, गुड फील होगा कि ओके मम्मी पापा मेरा केयर करते हैं, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगेगा। उनके बेडशीट्स का भी हमें ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और उनके बेडशीट्स को हम लोग कैसे कलरफुल बनाएंगे चलिए आज हम लोग देखते हैं। एंड प्लीज़ उनको सोने में भी अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ आप ख्याल रखिए। देखिए हम लोग, हमारे बच्चे हैं तो हम लोग नहीं ख्याल रखेंगे उनकी खुशी का तो कौन ख्याल रखेगा। तो देखिए हम लोग बहुत, देखिए थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा पैसा लगता है मैं मानती हूँ, लेकिन जो भी इस यूट्यूब को देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा, ज़रूर होगा, तभी तो आपके पास ये आपके पास ये फ़ोन सारे हैं, तब आप यूट्यूब देखते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को थोड़ा खुश रखने का। आजकल बहुत सारे सस्ते में और हर मार्केट में, मार्केट के हर जहाँ पर बेडशीट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ भी सस्ते दामों में भी, एंड आपको जैसा चाहे आप उस दाम में भी आपको कार्टून के, कार्टून वाले बेडशीट्स मिल जाते हैं। तो हमारा, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को खुशी दें एंड उनके बेडशीट्स को भी हम लोग उनकी खुशियों के जैसा, उनकी खुशियों के लिए अच्छा सा बेडशीट रखें, कार्टून वाला, कुछ टॉयज़ वाला, कुछ कार्स वाला। तो चलिए आज देखते हैं कि हम बच्चों के बेडशीट्स को कैसे लगाएं जिससे उनको खुशी आए और उनको सोने में भी मज़ा आए और उनको अच्छी और प्रॉपर नींद आए। तो चलिए दोस्तों, और तो ये वीडियो शेयर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो लेट्स गो, हम लोग वॉच करते हैं बच्चों के बेडशीट्स के बारे में, चलिए लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, ये है इस टाइप के बेडशीट्स। कुछ बेडशीट्स ऐसे होते हैं कार्टून वाले, बच्चों को इस टाइप के बेडशीट्स बहुत पसंद आते हैं, टाइप के चाहे स्पाइडरमैन, मिकी माउस, इस टाइप के लेने से बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है सोने में, खेलने में, और उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है, लगता है कि उनके मम्मी पापा केयर करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और इसी टाइप से अच्छे अच्छे खिलौने भी आप ले लीजिए। तो आज मैं कुछ बेडशीट्स के साथ खिलौने भी दिखाने जा रही हूँ जो बच्चों के लिए एजुकेशनल होते हैं, ताकि कुछ वैसे बच्चे को ऐसा अलग खिलौना दीजिएगा जिससे बच्चों को कुछ नॉलेज भी गेन हो सकेगा एंड उनको इंटरेस्ट लगेगा। वो लोग आजकल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में लगे रहने का ये करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा खिलौने दे दीजिएगा तो वो लोग मोबाइल फ़ोन छोड़ के ये सब खिलौने भी में व्यस्त होंगे और उनको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कुछ बेडशीट्स के साथ कुछ खिलौने को कैसे लिया जाए। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। हेलो हर्षित, हेलो, से लाउडली हेलो, हेलो एलन, हेलो जॉय, प्रिंस, हेलो प्रिंस, सी हियर प्रिंस, लुक एट हियर, हेलो, ओके सोनिया बेटा, सोनिया से हेलो बेबी, हेलो हेलो। यस, तो गाइस आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों बच्चों के बेडशीट्स, उनके खिलौने, उनके खिलौने कुछ ऐसे होने चाहिए जो एजुकेशनल टाइप के हों। देखिए मैंने कुछ कलेक्ट किया है कुछ खिलौने जो थोड़ा सा एजुकेशनल टाइप के हैं, उनको बताएंगे। देखिए ये जैसे रिंग वाला हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये रिंग वाला हो गया, इससे बच्चे को ना बहुत अच्छा इसको लेने से कुछ दिमाग भी बढ़ता है, जैसे कि वो लोग कैच कर पाते हैं कि जैसे कि अरेंज करने के लिए इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए पता चलता है। देखिए दोनों बच्चों के पास है, थोड़े से ये लोग बड़े हो गए हैं, तो लोग प्ले स्कूल जाते हैं तो इन लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग का पता चल जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये ना शेप्स है, ये लोग अंडरस्टैंड करने लगते हैं शेप्स को, साइजेस को, और मेमोरी स्किल्स भी इस खिलौने से बढ़ती। तो कुछ खिलौने आप ऐसा लीजिए जिससे आपके बच्चों का एबिलिटीज़ हो यंग एज में, शेप्स एंड साइजेस को, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को ये लोग लर्न कर सके। देखिए ये लोग लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। बेटी हर्षित अपना दिखा दो बेटा, ग्रेप्स कहाँ है, ग्रेप्स दिखाओ, ग्रेप्स। कुछ ऐसे खिलौना लीजिए, ग्रेप्स, मैंगो,
वेयर इज ग्रेप्स? वेयर इज ग्रेप्स? नो, यस. वेयर इज ग्रेप? शो. यस. एंड वेयर इज मैंगो? मैंगो. वेयर इज मैंगो? यस. एंड वेयर इज ऑरेंज? वेरी गुड, वेरी गुड. जॉय, शो मी ए बी सी. देखिए कुछ ऐसे हम लोग लेते हैं, कुछ ए बी सी. इसे खोल कर दिखा दो बेटा, इसे खोल कर दिखा दो. वेरी नाइस. देखिए इसमें ए बी सी डी है. इसे बच्चे ना छोटे ही से इसको दे दीजिए केजे का, जिससे बच्चे ए बी सी डी लिखना सीख लेंगे. देखिए इस टाइप से होते हैं छोटे छोटे, ताकि ये खिलौने भी हो जाते हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन. आप इसको रख के आप बोल सकते हैं कि बेटा बताओ कौन सा है, ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है. एंड देखिए ये भी जो है, देखिए ये वाला, इससे भी बच्चे को बहुत बुद्धि बढ़ता है. इसको आप बताएंगे तो शार्प मेमोरी होती है इससे. ये वाला खिलौना भी खरीद के दिखाइएगा बच्चों को, खेल के दीजिएगा, जिससे कि बच्चों की तेज तरार बनने के, इससे ये लोग क्रिएटिविटी पैदा होते हैं इनके जो दिमाग में होता है ना, इसको प्ले करने से क्रिएटिविटी, ये लोग में क्रिएटिवनेस आता है. इससे बच्चे जानते हैं कैसे कैसे न्यू थिंग्स बनाने, क्रिएटिविटी होते हैं. नो 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 बेटा, दे दो, लो ले, दे. और इस टाइप का जो टेबल है, टेबल लो. बबल्स बबल्स. ओके ओके ओके. Take this one. Take. Harshit, show me tiger. Yes, very good, tiger. Baby. Meow meow. Where is meow meow? Catty, cat ko dikha do. Cat ko dikha. Very good. Cat ko dikha do. Very good. Aur bedsheet bhi aise kuch hone chahiye jise jaise Mickey Mouse hua bachchon ka, कार वाला हुआ, ये सब थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा, इनको सोने में भी अच्छा लगेगा, और इससे बच्चों का अच्छा भी गेन भी होता है, बहुत सारा नॉलेज भी गेन होता है. हम लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि ओके ठीक है प्लेन बेडशीट्स लगा दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है. बच्चों को थोड़ा सा हम लोग को इस टाइप से कुछ कार्टून वाले कार्स वाले होने चाहिए बेडशीट्स, देन मिकी माउस जैसे होने चाहिए, देन कुछ जैसे कि जैसे देखिए मैंने अपने बच्चे के लिए बच्चों के लिए स्पाइडरमैन खरीद के रखा है. इस टाइप के बेडशीट्स पिलो कवर ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनको देखने में, खेलने में सब अच्छा लगेगा. देखिए इस टाइप का अच्छा लगेगा. ये छोटे छोटे बच्चे देखिए बहुत पसंद करते हैं. देखिए कार वाला बेडशीट्स हो गया, तो तुरंत खुश हो जाते हैं बेडशीट में रहना. एंड ये देखिए ये मिकी माउस वाला, देन स्पाइडरमैन वाला, एंड देन कार वाला, ये इस टाइप का कार वाला बहुत पसंद करते हैं बच्चे. तो इस टाइप से कुछ बेडशीट्स ले लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है. आप अगर नॉर्मली नहीं मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ऑनलाइन में. आ जा बेटा, अच्छा अच्छा. स्टडी इस टाइप का आप स्टडी टेबल ले सकते हैं. एक देखिए स्टडी टेबल बहुत अच्छा है, आप बच्चा ना तुरंत टेबल कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तो इस टाइप का स्टडी टेबल आप ले लीजिएगा. इसमें देखिए आप देख सकते हैं इसमें खिलौने भी हैं. देखिए स्नेक्स लैडर्स हैं, 1 2 3 4 भी इसमें इजीली काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये स्नेक्स लैडर. उसी तरह से इसमें लूडो की गोटियाँ मिलती है. एंड 1 2 3 4 इसमें मैं इसी में अपने बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाती हूँ. इसी में बैठ के वो पैर को क्रॉस करके बैठ जाता है, अच्छा से बेड में आराम से लिखता है, उसको लिखने में भी अच्छा एंड ईजी रहे. नहीं तो ऐसे बेड में अगर बैठे हो तो नीचे झुक के उसको लिखना पड़ेगा, उसके कमर में कंधों में दर्द हो सकता है. इसमें ईजिली आराम से एक स्टडी टेबल लगेगा कि स्कूल में बैठा हुआ है ना, वैसे लिखता है, ये आराम से मिल जाता है. देन ये देख सकते हैं मैंने इसके लिए पिगी बैंक एक रखा है, उसको पैसे जमा करवाने का हैबिट एक मैंने रखा है कि कभी कभी कुछ कॉइन हुआ तो. इससे बच्चे की क्या होता है कि बच्चे जमा करने के भी पैसे जमा करने के लिए सीखते हैं इससे कि ओके ठीक है मनी नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है, ओके ठीक है पैसा जमा करना है. एंड देन इसी तरह से ये सब सारे खिलौने हैं तो ये सब इनको पता चलता है कि क्या है. तो हेलीकॉप्टर है तो क्या है, ये वाला आप ज़रूर लीजिएगा, ये जो मैं बता रही हूँ ये इस टाइप वाला, इससे बहुत ज़्यादा उनको क्रिएटिविटी पैदा होती है, ये ज़रूर लीजिएगा. एंड देन ये सब शेप साइजेस यानी उनको बहुत ये सब हेल्पफुल होता है उनको ये सब गेन करने में. और बेडशीट्स भी कुछ इस तरह से ले लीजिएगा अपने बच्चों के लिए, तो उनको इंटरेस्टिंग रहेगा लेने में भी. मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि किस तरह से रूम को भी डेकोरेट करें बच्चों के लिए, जैसे उनको कुछ एजुकेशन गेन हो.
देखिए इस तरह से होता है, जैसे कि फ्रूट्स का एक बास्केट खरीद लीजिएगा। फ्रूट्स भी बहुत, ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा मार्केट में, कोई भी टॉय शॉप में मिल जाता है। तो इस टाइप से आप ले लीजिए, तो बच्चों से ये पूछेगा, आप बताते रहिएगा ये क्या है। तो दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ पियर, दिस इज़ ग्रेप्स, दिस इज़ कीवी, ऐसा करके आप पूछिएगा। एंड पहले आप उनको बताइएगा, नॉलेज दीजिएगा, तो वो लोग ऑटोमेटिकली ये सब सीखना स्टार्ट कर देंगे। एंड देखिए ये है एक, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिखाया था, जो छोटी सी बेबी है तो उसके लिए मैंने लिया था। तो वो अभी बोलना सीखी है, जस्ट 2 साल की हो रही है। तो उसे मैं पूछती हूँ कि क्या है, तो वो बोलती है कि ए है, बी है, सिखाती हूँ तो उसको पता चलता है कि ओके ये एबाकस टाइप का है। ये बहुत एजुकेशनल है, इससे नॉलेज भी गेन होता है। ये खिलौना का खिलौना भी हो गया एंड पढ़ाई का पढ़ाई भी हो गया बच्चों का। देखिए 1 to 10 तक इसमें दिया रहता है एंड 8 to Z तक रहता है। बहुत अच्छा है ये, ऐसे ऐसे घुमाएगी उसको, अच्छा भी लगेगा, खेलेगी भी एंड सीखेगी भी। कोई भी बच्चा खेलेगा भी सीखेगा। तो इस टाइप से आप एक इस टाइप का कुछ कुछ खिलौना ले सकते हैं जो एजुकेशनल रहता है, तो ऐसे कीजिएगा। बाकी ये सारे खिलौने तो आप जानते ही हैं। देखिए बच्चों का इस तरह से कुछ कुछ बाइक है, इस तरह से इनको इंटरटेनमेंट करने में अच्छा लगता है। देखिए बहुत अच्छा, ये लोग खेलते रहते हैं ये लोग। और इस तरह से आउटडोर गेम में भी मैं बताऊँगी कौन कौन सा गेम कैसे कैसे रखना चाहिए, तो देखते रहिए। इसी तरह से बेडशीट्स वगैरह देख सकते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं। इसी तरह से कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, तो उनको अच्छा लगेगा। फिर जब बच्चे खेल लेते तो उसको उनके लिए क्या कीजिए, अपने रूम में एक छोटा सा एक बॉक्स रखिए। देखिए मैंने तो इतना बड़ा कार्टून रखा हुआ है, इतना बड़ा कार्टून में मैं इसमें सारे उसके खिलौने को डाल दें, ताकि इजली कभी भी ढूंढा जाए तो वो मिल सके आराम से। तो देखिए ये सारे मैंने इस तरह से पॉलीथीन बैग में करके रखा है, सारे खिलौने डाल दिए ताकि इजली मैं इसमें से निकाल सकूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में एक बॉक्स रखिए जिसमें से आराम से खिलौने निकाल सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।